नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक सदस्यों को उसके साथ साथियों सहित किया काबू। 10 पिस्तौल, 11 जिंदा रौंद, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के थाना सदर के अधीन आती विजय नगर चौकी की पुलिस ने गत दिनों स्नैचिंग करने वाले दो लुटेरों को किया काबू। लूट का पर्स, डायमंड की चार रिंग और मोबाइल फोन किया बरामद। जंडियाला गुरु में हवाई फायर करने के दौरान एक नौजवान को लगी गोली। पुलिस ने 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस ने अलग अलग मामलों में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक सदस्यों को उसके साथ साथियों सहित काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी मात्र 19 वर्ष का नौजवान है और उसके साथ 7 और नौजवानों को काबू किया गया है जो कि छोटी उम्र के नौजवान हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 बोर के 10 पिस्तौल, 11 जिंदा रौंद और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गत दिनों श्री दरबार साहिब के बाहर फोटोग्राफर के साथ जो मारपीट की गई थी उसमें इनका भी संबंध है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बाकी आरोपियों की पहचान कार्तिक सेठी, दानिश सेठी, दोनों निवासी लक्कड़ मंडी अमृतसर, आदि सियाल निवासी भूषणपुरा, हाल कोट मीत सिंह, गौतम धर्मा निवासी चौंक पौड़ी वाला अमृतसर, नितिन चौधरी उर्फ बुढ़ा निवासी भूषणपुरा अमृतसर और बॉबी सिंह निवासी गांव तलवंडी जिला बठिंडा के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि ये आरोपी मध्य प्रदेश से पिस्तौल लाकर पंजाब में सप्लाई करते थे। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साडे मानयोग सीएम साहब पंजाब वालों जिहड़ी गैंगस्टर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार की गई है उसके तहत मानयोग डीजी साहब की हदायत के उत्ते बड़ा वड्डा एक जिहड़ा आर्म्स नैटवर्क तोड़िया गया जो कि जिहड़ी फस्ट इनफॉर्मेशन साडे को आई है कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग दे नाल रिलेटिड एक कंसाइनमेंट हैगी है वैपन की। तो 10 पिस्टल रिकवर किए गए ने, उहदे च जसप्रीत एलियस जस्सी हैगा शहीद ऊधम सिंह नगर अमृतसर का रहने वाला, ये दोषी गिरफ्तार किया गया। ये दो ये होर साथी ने जिन्हां दे अजे नाम असी रिवील नहीं कर रहे, वो इस केस दे विच अक्यूज ने, अजे गिरफ्तार नहीं हुए। वो ये सारा नैटवर्क चला रहे सी मध्य प्रदेश तो एक कंसाइनमेंट लियांदी गई और ये मुताबक आके इन्होंने एक दूजे अपने गैंग दे ਰਾਈਵਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛ ਕੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਨੇ ADCP ਸਾਹਿਬ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਪਰ ਲੂਟਪਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਬ ਪਰਸ ਝਪਟਨੇ ਵਾਲੇ 2 ਆਰੋਪੀਓ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਗਿਆ।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि 24 नवंबर की रात को एक वारदात हुई थी, जिसमें सिद्धार्थ महाजन अपनी एक्टिवा पर अपनी पत्नी के साथ जब अपने घर के बाहर पहुंचा तो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने उसकी पत्नी से पर्स छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को काबू कर लिया, जिनकी पहचान राकेश कुमार उर्फ केशा और साहिल के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का पर्स, डायमंड की चार रिंग और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इनमें से एक आरोपी राकेश कुमार उर्फ केशा पेशेवर क्रिमिनल है और उसके खिलाफ पहले भी लूटपाट व चोरी के 10 मुकदमे दर्ज है और वह 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। वह उसने दोबारा एक नई वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना सदर विखे चौंकी विजयनगर 24 तरीक दी रात नूं करीब 9:30 बजे एक वारदात हुई सी, जिस विच सिद्धार्थ महाजन जो कि गोकल एवेन्यू दा रहने वाला वो एक्टिवा ते अपनी वाइफ दे नाल कितों बाहरों अपने घर जदों पहुँचते हैं तो घर दे बाहर जदों एक्टिवा अंदर जाने लई एंटर करन दी कोशिश करते हैं तो दो अणपछाते ते नौजवान मोटरसाइकिल दे आउंदे हन ते सिद्धार्थ महाजन इन्हां दी वाइफ जो कि उस समय उन्हां दे नाल ही सी उन्हां कोलों पर्स खोह के फरार हो जाते हैं, जिस तो बाद अगले दिन सानू ये इनफॉर्मेशन मिलती है तो साढ़े वालों तुरंत कार्रवाई करते हुए अधीन धारा 379(b)(2)(34) IPC तहत एक मुकदमा रजिस्टर किया गया सी, जिस तो बाद साड़ी पुलिस पार्टी ने बड़ी ही मेहनत के नाल कुछ ही दिनों के इस मुकदमे का जो मुख्य दोषी है जिसका नाम राकेश कुमार उर्फ केशा जो कि एनम सिनेमा की बैकसाइड का रहने वाला वा इसनों ट्रेस कर लिया सी ते अज असी 4 दिन के मुकदमा का मुख्य दोषी केशा इसनों अरेस्ट कर लिया वा। तो इस कोलों जो पर्स खोया गया सी उस विच 4 डायमंड दी मुंदरियां सन, एक मोबाइल फोन सी, ते चार ही जिहड़ियां डायमंड दी मुंदरियां उस कोलों रिकवर कर लिया गई ने। जो वारदात विच वरत्या गया मोटरसाइकिल है वह भी इन्हां कोलों बरामद कर लिया गया वा। तो नाल इसका जो दूसरा दोषी सी जो उस समय मोटरसाइकिल चला रहा सी साहिल पुत्र तिलकराज उर्फ शिंदा जो कि एनम सिनेमा की बैकसाइड का रहने वाला वा इन्हों दोनों दोषियों असी अरैसट कर लिया वा। तो जो 4 डायमंड की मुंदरियां जिन्हों की खोह की गई सी वो सारिया बरामद कर लिया गई ने। यह भी दसनयोग है कि जो केशा है पेशेवर क्रिमिनल है, इस दे खिलाफ़ पहला भी 10 मुकदमे अलग अलग लुट्टां खोहां दे चोरियां दे स्नैचिंगां दे दर्ज ने। सो एक बड़ा ही खूंखार क्रिमिनल सीगा जो कि 2 महीने पहले ही जेल तो बाहर आया सी ते उसने फिर दोबारा एक नवी वारदात की है। सो इसका हुण असीं रिमांड लैके दोनों कोलों अगलेरी पुछगिछ करांगे ते इन्हां वल्लों होर भी वारदातां कीतियां हो सकदे ने उन्हां बारे भी डिटेल च जानकारी लवांगे जी। इन्हां वल्लों जो ये वारदात आ इस विच ही दातर वगैरह का भी इस्तेमाल करते सन ते हजे तक दातर की रिकवरी नहीं हुई, उसके बारे भी इन्हां कोलों पुछगिछ की जा रही है जी। जहां एक तरफ श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के चलते लोगों की ओर से इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ आतिशबाजी कर मनाया गया, वहीं दूसरी ओर कुछ हुल्लड़बाज नौजवानों की तरफ से अमृतसर के जंडियाला गुरु में हवाई फायरिंग कर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। इस दौरान हवाई फायरिंग करने वाले नौजवानों के एक साथी को गोली लग गई, जिसके चलते वह बुरी तरह से घायल हो गया। तो वहीं नौजवानों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ अज्ञात लोगों की ओर से उन पर गोली चला दी गई है। पहले तो पुलिस ने घायल नौजवान को अस्पताल में दाखिल करवाया और फिर पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच की तो पता चला कि गोली इन हुल्लड़बाज नौजवानों की तरफ से ही चलाई गई थी, जिस कारण एक गोली नौजवान की टांग में जा लगी, जिसके चलते पुलिस की ओर से 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी जी, है ना, कल रात सू इनफॉर्मेशन आई थी कि एक मुंडे से गोली बजी गई पिंड चे हॉस्पिटल लै गए हैं, जो अभी मौके पर पुलिस पार्टी पहुंची है, वो मुंडे से बयान ले तो लागे वे आस पास लोगों ने बयान लिया। पहला तो कहें कोई अंत चढ़ते गोली मार गए, पर बाद गल क्लीयर हो गई भी वह आप ही मुंडे पहले आतिशबाजी कर रहे थे कोठे से अपने चढ़ के, दो सके भराए उन्होंने कोठे से चढ़े थे, उत्ते पहला पटाखे चलाए, फिर उन्होंने एक नजायज हथियार से वैपन
पिस्टल वो हवाई फायर किए तो हवाई फायर करते एक फायर उन्होंने अपने ही नाल के खड़े मुंडे से बज गया जिन्होंने बाद हस्पताल दाखिल कराया। फिरोजपुर के ममदोट शहर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए एक व्यक्ति का कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया और उससे 8 लाख रुपयों की मांग की। वह उसके परिवार से ये भी कहा कि अगर वे उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो पैसे भेज दें। वे घटना संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति मार्ग सिंह ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उससे 25,000 रुपये नकद ले लिए और उसके एटीएम से करीब 35,000 रुपये भी निकाल लिए। आरोपी विदेश में बैठकर पूरी घटना को अंजाम देता रहा और 8 लाख रुपये की फिरौती मांगता रहा। वही पीड़ित ने बताया कि उसे खेतों में मोटर पर बंद करके रखा गया था, जहां से वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और अस्पताल पहुंचा, जहां उसने पुलिस को सूचना दी तो वहीं पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से उसे न्याय दिलाने और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सर मैं गया सी मतड़ा तो जलो के बरात, मेरी भूआ के पोते का विआह सीगा, तो उत्ते बरात गया सी। उत्तों बरात नाल मैं वापस आ रहा सी घर नू जिद्दा ला लिया भी मेरी भूआ के मुंडे नाल मैं आ रहा सी गड्डी ते रास्ते विच इन्हां दे जिहड़े दोषी ने ये काफ़ी ज़्यादा उत्ते खड़े सीगे गुरद्वारा दे कोल। इन्हां ने मैं जो पिंड साणकियां दे कोल पहुँचाना तो अगों मैनू रेड़ा ला के ना इन्हां मेरे गड्डी रोक ली। मैं गड्डी दूसरी साइड कढ़न लगा उधर दिला ली। ये जिहड़ा दर्शन सिंह का मुंडा अर्शदीप तो ये कोल पिस्टल सी, मैं भज के अंदर वड़ गया। मैनू खतरा सी गोलियां ना मार दे, क्योंकि पता ना इन्हां कोल पिस्टल है, क्योंकि 2 नंबर का काम करते आ, क्रिमिनल बंदे आ जी। इन्हां दा रिकॉर्ड देखो जी, क्रिमिनल पुराना रिकॉर्ड भी इन्हां दा फोल के वेख्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इन्हां जिहड़ा बेटा बाहर गया गुरमीत सिंह US विच, उहदे दे काफ़ी परचे दर्ज आ, क्योंकि इन्हां दा काम शुरू तो लैके यही आ ब्लैक का। इन्हां मुंडे इकट्ठे किए सी, काफ़ी ज़्यादा मुंडे किए सी। मैं भज के अंदर जो वड़ गया, इन्होंने मैंने काफ़ी ज़्यादा धमकिया धमकिया दित्तियां, बाहर निकलिया इन्हों का तेन मारांगे इदा करांगे। तो फिर मैं जो बाद मेरी भूआ के मुंडे ने दूजे मेरी भूआ के मुंडे आ गए, उन्होंने मैंने तसली दी कि तू बाहर निकल तेन कुछ नहीं होने दें। तो जो उन्होंने इन्हें दिलासे लैके जो मैंने बाहर क्ढ़िया कुटद्या करद्या जो बाहर मैं निकलिया, निकलद्या सारी इन्हें कुटमार करनी शुरू कर दी। मैंने कुटमार करद्या सारे इन्हें मैंने गड्डी सिट लिया, गड्डी सिट लिया तो जो गड्डी सिट के मेरे पिस्टल वखी दिला लिया महिंद्र सिंह ने, तो मैनू लै गए मोटर से लै गया जी। इन्हें मैंने काफ़ी कुटमार की, मेरे ATM के पासवर्ड भी लाया मेरे को, मेरा पर्स भी खोलिया जिद पिस्तौल की नोक पर सारा काम होया जी। इन्हों को पिस्टल 4 सीगे, तो जी दर्शन सिंह की घरवाली अशरो बीबी वो हाथ में पिस्टल सी, तो मैंने दिखाई सी भी आ तेरे गोलियां ना सारिया तेरे बेच दी कढ़ा। महिंद्र सिंह को पिस्टल सी, दर्शन सिंह को मुंडे को, गजनी वाले रहने वाले सर, ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ATM ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕਾਰਡ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਚੇ ਆਪਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼
पुलिस ने जो सही बनता सी उही इन्हां ते परचे किए गए हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि परचे खारज ना किए जा। मिति 17/11/23 अधीन धारा 382, 384, 365, 342, 323, 148, 149 ਪੱਬਾ ਦੱਦਾ ਅਤੇ 25/27/54/59 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਬਰ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਘ ਸਿੰਘ। ਮਾਘ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀ ਚੋਲੀਆਂ ਥਾਣਾ ਲੋਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮੱਤੜ ਹਠਾੜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 15/11/23 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂ ਕਾ ਬਰਾਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 34,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈ ਗਏ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭਕੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗਜਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਫਾਰੂ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ 15-20 ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਈ ਸਾਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 171 ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर एक व्यक्ति द्वारा गृह क्लेश के चलते खुद को आग लगा ली गई। पीड़ित नौजवान द्वारा शराब पीकर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित की पत्नी परमीत कौर का कहना है कि उसके विवाह को 8 वर्ष हो गए हैं और उसके पति ने बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी है, जिस कारण घर में कलेश रहता है। इसी वजह के चलते उसके पति की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया। उसने बताया कि वह पिछले 8 महीनों से अपने मायके घर में रह रही है। उसने कहा कि पहले भी कई बार उसके पति द्वारा बच्चों के सामने ही खुदकुशी करने की कोशिश की गई और इस बार अधिक शराब पीकर उनकी ओर से खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली गई। सारा मोहल्ला इस बात का गवाह है कि उसने अपने आप को खुद आग लगाई है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक कुड़ी नु मारदा कोड़दा सी घर उठे ते अही नमना मुंडे ने पढ़ाउंदा ही है ते अही मुंडे नु लैंदा इत्थे दा ते दा इहनु लैंदा ना को पैसा ते दा ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਿਆਉਣਾ ਆਟਾ ਅਤਲਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭੀਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 500-700 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹਾਲ ਸੀ ਦਾਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਆਇਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੋਤਾ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੋ ਬਾਹਰ ਖੋਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਰਹਿ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਚਾਵਲ ਬਟਾਲੇ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭਾ ਇਹੀ ਫਸਾਂਗੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਡਰੰਕ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਡਰੰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਾਪਸ
कि ज़्यादा फुल ड्रिंक की है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो जाए रस्ते विच। इस करके मेरा ब्रदर जो कि इस टाइम आउट ऑफ स्टेशन है उन्हूं वो लैके आया वा, और फिर ये चुप किते फिर निकल गए आ बुआ, चुप किते इन्होंने खोल के फिर निकल गए आ। इन्होंने तीन चार बारी उदों दा अप डाउन किया, सवेरे आए तड़के फिर शाम। अज शाम इन्होंने अग ऐसा लाई है, पी के आए आ फुल ड्रंक हो के। और उस तो बाद मेरी इन्होंने गलबात हुई है कि मैं तुसी पैसे इन्ने कितों आ रहे तुहाडे कोल, इस तरह कोई गल हुई वा तो तुसी इन्ने ड्रिंक कितों कर रहे हो। और उस तो बाद बाहर गए आ, बाहर स्टैप जाके इन्होंने पेट्रोल निकालिया। मैं तो इन्होंने मैं अपने सहुरे नाल गल कर रही सी फोन पर उस टाइम पर, और फिर इन्होंने बाहरों आवाज़ सुनी अपने पापा की मैं, तो उधरों आवाज़ आ रही सी, आवाज़ आई तो असीं तुरंत बाहर निकले हाँ। और इन्होंने आ स्टैप तुरंत उठाया, पेट्रोल सी बॉटल से छोटी जी पैपसी की बॉटल सी, उस पेट्रोल से, और इन्होंने पाया अपने उपर। अभी सोचा यह शराब की बोतल है, बट बाद विच पता लगा कि यह पेट्रोल है। पेट्रोल छिड़क के इन्होंने तो नाल ही लाइटर नाल इन्होंने अग लगा ली। पुलिस आई है, पुलिस अपना वेरीफिकेशन करके गई है, गली गवांढ सारा मल्ले इस चीज़ का गवाह हैगा कि हाँ यह काम इन्हें खुद किया वा, ये कोई भी ब्लेम मेरे ते नहीं पा सकते, कोई भी ना कोई कह सकता कि हाँ भाई अही किया वा, जबकि मेरे सहुरे कहते कि मैं काम किया वा। मेरे सहुरे यह कहते कि मेरे पेक्या ने उन्हें पहला शराब पियाई है और फिर उन्हें जलाया इन्होंने। कैमरे लगे सारे? हाँ जी सर, कैमरे लगे हुए उ। ये सर आप 112 नंबर से कॉल आई ही परमजीत कौर की, वह हसबेंड ने आन के वह पेके पेर अपने रह रही है पेके च परिवार च, उनका पहलों भी लड़ाई झगड़ा है माड़ा मोटा कित हो, आन के इन्हें डिंक डुंक की उन्होंने आन के धमकिया धमकिया दे रहा है कि मैं कुछ खा के मर जाना जा मैं उत्ते को पा के मर जाना। तो बाद मतलब अपने तो पेट्रोल छिड़किया शायद जो कोई होर चीज़ छिड़क के अग ला ली, तो उस बाद हॉस्पिटल गुरु रामदास हॉस्पिटल दाखिल कराया गया, जिथे डॉक्टर ने पूछा गया उसकी हालत ठीक है, तो जो भी परिवार मैंबर कहेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर के फोकल पॉइंट में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित विकास कार्यों में क्षेत्र की विधायक जीवन ज्योत कौर द्वारा 14,25,00,000 की लागत से कंक्रीट की सड़कों के पुनः निर्माण का उद्घाटन किया गया, जिसमें फोकल पॉइंट की कंक्रीट की सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइलें लगाना और बरसात के पानी का अलग से सीवरेज एवं चैम्बर बनाने का कार्य आरम्भ किया गया। इस मौके पर विधायक जीवन ज्योत कौर ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर फोकल पॉइंट के प्रधान संदीप खोसला ने बताया कि यह एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर फोकल पॉइंट का अंधेरा दूर होने का दिन आ गया है। वहीं उन्होंने फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया, जिन्होंने पिछले काफी समय से परेशानियां सहते हुए भी धैर्य रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 महीनों में फोकल पॉइंट की कायाकल्प हो जाएगी और अमृतसर का फोकल पॉइंट पंजाब में नंबर 1 फोकल पॉइंट होगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सब तो पहले देश दुनिया में बैठी हुई साड़ी समूह संगत को पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े दी बहुत बहुत मुबारक, और उस तो बाद अज साड़े लिए होर भी भागा वाला दिन है कि अज इस शुभ दिन असी जिहड़े फोकल पॉइंट के 12 करोड़ के काम जिहड़े वो स्टार्ट किए ने, और पिछे CM साहब आए थे अरविंद जी आए थे और कुछ 18-19 करोड़ के काम फोकल पॉइंट के अनाउंस करके गए थे, सो उस के तहत अज 12 करोड़ के काम की अज शुरुआत की गई है। और मैं जिथे भी जा रही हाँ एक ही रिएक्शन मिल रहा है कि मैम इन्ने साल तो कम नहीं होया सी, तुसी करा दिता, हुणे हाउसफेड दे फ्लैट च गए सी, उत्थे एक कम्युनिटी हॉल है उहदा बहुत बुरा हाल सी, उहनू रेनोवेट करा के दिता, और बड़ी खुशी हुई जदों पता लगा कि इस बार 2004 तो उत्थे जिहड़ा कानपट साहब है वह कदे किसी गैरेज च कदे किसी गैरेज रखवाया जा रहा सी, सो वह कम्युनिटी हॉल नूं असीं बिल्कुल रीवैम्प कर दिता और इस बार खानपट साहब जिहड़ा है वह उत्थे रखवाया गया, सो उस एरिए भी लोग बहुत खुश सीगे। उस तो बाद भी असं जिथे जिथे उद्घाटन लिए जा रहे हैं सानू यही रिएक्शन मिल रहा, सो मैं सबनों यही कह रही हूँ कि जिन्ना सहयोग लोगों ने सानू दिता, जिन्ना प्यार लोगों ने सानू दिता, ये साडी जिम्मेवारी बनती है कि असी जिन्हें भी इन्हां दे काम अधूरे पे है उन्हां नू पहल दे आधार ते पूरे करा के दईए,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਤਰੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਮੈਡਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਰੋਡ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਡਸ ਹੈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਦਿੜਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਦਿਲ ਕਾ ਦੌਰਾ ਪੜਨੇ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਰਸ਼ੀਯ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 5 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਥਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਮਿਲਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲੌਟੇ ਥੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਿਤਾ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਐਡਮੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਥੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦਿਲ ਕਾ ਦੌਰਾ ਪੜਨੇ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਬੇਟੇ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਤੇ ਵਕਤ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਥਾ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਮੇਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰੀਬ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਸਾਗਰ ਬੜਾ ਦਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਦੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਵਾਪਸ ਆਇਓ। ਪਰ ਮਗਰ ਖਬਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰਿਆਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ।
श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर रंजीत एवेन्यू में ब्राइट वे ग्रुप की ओर से भव्य लंगर लगाया गया। इस मौके पर ब्राइट वे ग्रुप के अधिकारी ने कहा कि हम सबको गुरु की वाणी के साथ जुड़ना चाहिए और गुरु का बंदा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग गलत काम ना करें बल्कि सीधे रास्ते पर चलकर वाहेगुरु जी का जाप करें। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं भी दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं अमरदीप सिंह वेदी वीजा एक्सपर्ट योर डेस्टिनेशन तो आज बाबा जी दे गुरु नानक देव जी दे शुभ दिहाड़े दे ऊपर लंगर लाया है सारी संगतां वास्ते। आओ हो मुमा के लंगर दे अपना योगदान पाओ। ठीक है जी, इससे सानू सेवा दा होर मौका दियो। हर साल करते आने हैं, इस तो बाद वाला लंगर शिवजी से लगेगा। ठीक है जी, फिर उस तो बाद पानी का करांगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बाबा जी के दिहाड़े पे। ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारक सारे नू गुरपुरब दी। फरीदकोट के पंचवटी मंदिर में श्री जी परिजनों फरीदकोट की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या में लंबे समय के वाद विवाद के चलते आखिर भक्तों के दर्शनों के लिए श्री राम मंदिर का शुभ उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर श्री सनातन धर्म प्रचार मंडल फरीदकोट के परिजनों की ओर से फरीदकोट शहर में 22 जनवरी 2024 को विशाल गौरव यात्रा निकाली जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान श्री जी परिजनों फरीदकोट के अध्यक्ष भारत भूषण सरप्रस्त संदीप कुमार गर्ग, वाइस प्रधान उमा गुप्ता की ओर से शहरवासियों को गौरव यात्रा में शामिल होकर श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की गई। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम परवीन गर्ग है, मैं श्री जी परिवार की मेंबर हूँ। हमने बचपन में सुना है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, वो सपना आज साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसकी खुशी में फरीदकोट में श्री जी परिवार की तरफ से गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में भक्तों से विनती है कि हमारे साथ मिलकर इस यात्रा का आनंद ले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब से हम स्कूल में पढ़ते थे तब से हम एक विवाद के बारे में सुनते आए हैं, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बारे में। आज ये ऐतिहासिक दिन है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इस बात की हमें बहुत खुशी है। और हमने फरीदकोट में भी यात्रा का आयोजन किया है, तो मेरी सब शहरवासियों से विनती है कि इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री जी परिवार फरीदकोट वालों अयोध्या के राम मंदिर बन रहा है वो 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, उसकी खुशी के श्री जी परिवार फरीदकोट वालों इतने फरीदकोट 22 जनवरी को बहुत ही वड्डे पद्धर से गौरव यात्रा कढ़ी जा रही है, जिस दे नाल सनातन धर्म के खुशी होवे, हर हिंदू गौरव मंदिर च करे ते हर इतने यात्रा के सारे हते हाजिर होन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 जिहड़ा एक हिंदू धर्म वास्ते पुनर्जागरण का दिन है, असी सारे सनातन धर्म प्रेमियों नू इस दिन गौरव की अनुभूति हो रही है, असी इस दिन गौरव यात्रा के तौर पर मना रहे हैं। असी पूरे फरीदकोट शहर वासियों नू बेनती करते हैं कि उस दिन आपके घरों पर दीपमाला की जाए, दिवाली की तरह पटाके चलाए जान, दीपमाला की जाए। जय श्री राम। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक सदस्यों को उसके 7 साथियों सहित किया काबू, 10 पिस्तौल, 11 जिंदा रौंद, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के थाना सदर के अधीन आती विजय नगर चौकी की पुलिस ने गत दिनों स्नैचिंग करने वाले 2 लुटेरों को किया काबू, लूट का पर्स, डायमंड की 4 रिंग और मोबाइल फोन किया बरामद। जंडियाला गुरु में हवाई फायर करने के दौरान एक नौजवान को लगी गोली, पुलिस ने 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।